हेलो एवरीवन, मैं विकास त्रिपाठी अभियान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज दृश्यकला से संबंधित जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, निश्चय ही ये जिस कलाकार के बारे में है, उस कलाकार भारतीय आधुनिक कला के इतिहास में जो उपलब्धि रही है, राष्ट्र चेतना को जागृत करने में जो उनका योगदान रहा है, वो हम सभी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे नंदलाल बोस के बारे में या फिर नंदलाल बसु के बारे में। हमारे आधुनिक कला इतिहास के मास्टर मोशाय के नाम से जाने जाते हैं नंदलाल बोस। इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1882 मुंगेर बिहार में हुआ था। पिता एक कुशल, हम ये कह सकते हैं कि कुशल आर्किटेक्चर जो एक कलाकार थे वो थे। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कला के अलावा इनको और या हम ये कहें कि अन्य किसी भी विषय में इनका एक रुचि नहीं था, उनकी एक दिलचस्पी नहीं थी। तो इनको अपने प्रारंभिक शिक्षा जीवन में असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। हाई स्कूल में फेल हुए, उसके बाद जब ये इनको वाणिज्य में इनकी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया गया तो ये उनमें अनुत्तीर्ण हो गए। तो क्योंकि इनका एक रुचि जो इनका एक जो विचार था, जो इनकी इच्छा थी, वो कला के प्रति थी। तो तब जाकर लगभग 1905 में ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो इनकी प्रारंभिक कला शिक्षा हुई उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उस समय जो कला शिक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट के जो एक प्रिंसिपल थे, ईवी हैवेल थे, और वाइस प्रिंसिपल थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो इनके जो कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अगर हम बात करें अवनींद्रनाथ टैगोर की, तो जब अवनींद्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं तो एक सिद्ध हस्त कलाकार जो भारतीय पुनर्जागरण कला का एक प्रणेता कहा जाता है, जब वो किसी का गुरु होता है तो निश्चित ही शिष्य का जो भविष्य है उसकी चिंता की कोई बात ही नहीं। नंदलाल बोस, आगे हम बात करें तो इन्होंने अपने प्रारंभिक काल के जो चित्रों की मैं आगे बात करूंगा, पहले इनकी कुछ उपलब्धियां जो भी रही हैं। अजंता के चित्रों की प्रतियां इन्होंने तैयार की अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में, जब इन्होंने लेडी हरिंगम के निर्देश में जब इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की, तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव दिखाई देता है नंदलाल बोस के जीवन कला शैली में। 1920 में आप विश्व भारती कला भवन गए और 1921-22 के लगभग आप वहाँ के प्रिंसिपल भी बने विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन के। और एक जो लगाव था शांति निकेतन के, जब हम माहौल की बात करते हैं उस समय, तो एक जो गुरु शिष्य परंपरा शांति निकेतन में चली आ रही थी उसका भी निर्वहन किया। तो हम ये देखते हैं जब भी हम नंदलाल बोस की जीवनी पढ़ते हैं कि वो एक अच्छे विद्यार्थी भी रहे, फिर आगे चले सिद्धार्थ कलाकार भी हुए, और राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्र जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया बढ़ चढ़ के, और आगे चल के राष्ट्रीय शिक्षक जो एक शिक्षक होता है उसका भी इन्होंने बखूबी अपना एक कर्तव्य का पालन किया। 1920 में फिर तो मैंने कहा विश्व भारती कला भवन या ये गए, और जो एक इनका एक जो माहौल था, ये काफ़ी इनका लगाव था रविन्द्रनाथ टैगोर से काफ़ी लगाव था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ही इनको जो है विश्व भारती कला भवन ले गए। 1921-22 की बात करें तो अशित कुमार हालदार के साथ आपने बाघ चित्रों की भी प्रतियां तैयार की। 1924 में मैंने कहा कि जब एक महान व्यक्तित्व किसी के साथ हो तो उसको निश्चय ही उसके भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक तरीके से पूर्ण रूप से आशीर्वाद इनको प्राप्त था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ वर्मा, मलाया, चीन, जापान अनेक जगह जाते थे, और वहाँ की जो कला पद्धतियाँ थी, कला शैलियाँ थी, उसको भी सीखा करते थे। तो एक रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ इनका जीवन जो था, जो एक समय था उनके साथ रहने का, तो निश्चय ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रतिभा थी काव्य को लेकर के, एक जो एक तरीके से जो उनके अंदर एक दार्शनिक भाव था, तो ये सबका प्रभाव ही नंदलाल बोस के अंदर दिखाई पड़ता है। शांति निकेतन के आसपास के क्षेत्रों से भी इनका लगाव था। एक अगर से हम ये कहें कि ये कलाकार ही थे तो ऐसा ये सही नहीं है, ये कलाकार भी थे, मैंने कहा आगे चल के शिक्षक भी हुए, एक प्रसिद्ध शिक्षक भी हुए, लेकिन जो आसपास का जो क्षेत्र था, क्योंकि मैंने जब बात की थी रामकिंकर बैच की, तो रामकिंकर बैच का भी वही व्यवहार था, वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से शांति निकेतन में समर्पित कर दिए, और आसपास के जो लोग जीवन ग्रामीण क्षेत्र थे उनसे इनका बहुत तालमेल था, तो वही चीज इनके में भी दिखाई देता है लगभग।
जो शांति निकेतन के आसपास क्षेत्र थे, आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे इनका बड़ा ही ज़्यादा लगाव था। और जो आसपास की जो भी बंगाल की कला शैलियाँ थी, जैसे हम काली घाटी की बात करें और अन्य बात करें, तो ये उनपे भी थोड़ा इन्होंने प्रयोग किया और ये उससे प्रभावित भी रहे थे। इनकी जो कला का एक जो मुख्य हम ये विशेषता कह सकते हैं, तो इनका जो एक विषय इनका जो एक विशेषता थी वो था प्रयोगात्मक। ये हमेशा प्रयोग करते थे चाहे वो माध्यम को लेकर हो, क्योंकि इन्होंने तमाम माध्यम में काम किया, हम आगे बात करेंगे। तो इनका एक प्रयोगात्मक इनकी कला शैली रही है। इनका 1937 में इन्होंने फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन के लिए मंचन तोरण को सजाया। ये इनके लाइफ का मैं ये कह सकता हूँ कि टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि जब इनको एक तरीके से जो राजनीतिक क्षेत्र है भारत का, जो भी उस समय का था, उससे इनका एक तरीके से जुड़ाव होता है। और वो जुड़ाव कैसे होता है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो असहयोग हो आंदोलन रहा हो, चाहे वो नमक आंदोलन रहा हो। तो उसके उसके साथ साथ 1937 में आपने फैजपुर जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसके लिए आपने पंडाल सजाया, तो इससे इनकी जो ख्याति थी वो राष्ट्रीय स्तर पे पड़ने लगी। ठीक 1900 फिर उसके अगले बार में 1938 में आपने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो किसान के चित्र बनाए, ये एक तरीके से जो इनका जो एक ये चित्रण जो था, इनका जो एक हम ये कह सकते जो इनकी अधिवेशन के लिए चित्रकारी थी, वो न केवल अधिवेशन के लिए थी बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में वो एक क्रांतिकारी भावना को एक तरीके से प्रदर्शित कर रही थी। तो आपने राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो जो भी लीडर्स थे उनके साथ उनका सहयोग किया, भारत के संविधान में भी इन्होंने चित्रण किया, तो जो हमारा संविधान लिखा गया, तो संविधान जब लिखा गया तो संविधान को ऐसे ही खाली तो रहना नहीं चाहिए था। तो अब उस समय इनकी जो ख्याति थी वो राष्ट्र लेवल पे थी, राष्ट्र चित्रकार के रूप में ये बड़े विख्यात होने लगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे आग्रह किया कि आप थोड़ा संविधान पे कुछ जो भी इसको इसका एक तैयार करें, इसका एक डिजाइन दे, इसके इस पे एक डेकोरेशन करें। तब इन्होंने भारतीय संविधान पे कुछ चित्र बनाए। भारतीय जो पद्म पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी जो इनका जो एक डिजाइन था इन्होंने तैयार किया। तो ये इनकी तमाम उपलब्धियां एक तरीके से रही हैं। चित्रण के माध्यम की बात करें, मैंने पहले ही कहा कि इनका एक जो प्रयोगात्मक जो विचारधारा रही है कला के प्रति, वाष्प तकनीक में टेम्परा, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लीनो कट, ड्राई पॉइंट, अनेक पद्धति और ऑटोग्राफ कार्ड की मैं विशेषता बात करूंगा। इनकी इनका एक व्यक्तिगत जो एक जीवन शैली रहा था उसमें क्या था कि ये किसी आसपास में किसी का जन्मदिन होता था, कोई भी उपहार जब देने का समय आता था, तो ये अक्सर जो कि कार्ड पर कुछ है, या फिर हमने यहाँ पे लिखा ऑटोग्राफ, या फिर ऑटोग्राफ या कार्ड पर कुछ चित्र बनाते थे, उसको ग्रीटिंग जो हम लोग बोलते हैं ग्रीटिंग कार्ड, उसको भी भेंट करते थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टोलो क्रेमरिस जो थे, ये बड़ा अच्छा इन्होंने स्टोलो क्रेमरिस ने इनकी ऑटोग्राफ या कार्ड चित्रों पे कहा है। सम्मान की बात करें तो आपको 1954 में, क्योंकि जिस पद्म पुरस्कार को इन्होंने डिजाइन किया 1954 में, इन्हीं को वो पद्म विभूषण प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। 1950 में आपको BHU द्वारा डी.लिट. की उपाधि प्राप्त की गई। 1952 में साक्षी जगत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है देशी उत्तम, ये आपको विश्व भारती कला, ये जो विश्व भारती कला भवन है उसके द्वारा आपको प्रदान किया गया। 1956 में आपको ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में या फेलो जो है वो प्राप्त हुआ। इनके चित्रों के संग्रह की बात कर रहे हैं, तो इनका जो चित्र का संग्रह है वो आपको राष्ट्रीय कला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो जयपुर हाउस नई दिल्ली है वहां पर मिल जाएगा। भारतीय कला भवन में है इनके चित्र, और शांति निकेतन में मिल जाएगा, और भी अन्य तमाम व्यक्तिगत जो संग्रह है वहां पे है। हम प्रमुख चित्र की बात करेंगे, लेकिन प्रमुख चित्र में आने से पहले हम थोड़ा इनकी जो कला शैली थी उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। जब हम इनकी कला शैली कला को देखते हैं, तो हमें जो विषय की हम बात करें, तो विषय हमें पौराणिक कथाएं, यह भी इंडियन मैथोलॉजी जो कथाएं हैं वो, और जो भी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, अधिकतर इन्होंने ग्रामीण महिलाओं का बड़ा ही सुंदर अंकन किया है। आप देखेंगे जैसे संथाल स्त्री है, ये बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो आसपास के जो शांति निकेतन के आसपास के जो लोक जीवन शैली थे इनसे इनका बड़ा संपर्क था। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव इनमें दिखाई देता है, जो लोक जीवन की जो घटनाएं हैं उन पे इन्होंने चित्रण किया है। फिर ये बड़े प्रभावित थे हम कह सकते हैं, मैंने कहा कि ये जो भारतीय प्राचीन जो परंपरागत जो कला शैली थी ये इसके बड़े
जो है कि उपासक हम कह सकते हैं इसको, उपासक थे। और ये बड़ा ही इसीलिए इन्होंने पौराणिक कथाओं पे ज्यादा बल दिया। और अब हम इनकी चित्रों की बात करेंगे, क्योंकि मैंने माध्यम की बात कर ली कि इन्होंने वास में काम किया, टेम्परा में काम किया, जल रंग में काम किया, पेंसिल आर्ट, ये अनेक पद्धति जो भी जैसे भी लिनोकट अनेक में इन्होंने काम किया है। प्रमुख चित्रों की बात कर ले हम, तो प्रमुख चित्र में आप देखेंगे सती का देहत्याग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। सती एक दूसरा चित्रण है जिसमें ये चित्र जो प्रारंभिक जीवन शैली के चित्र इनका हम कह सकते हैं, जो भी 1906 या 7 के लगभग ये चित्र बनाई थी। नौका विहार है, विश्व प्रतिज्ञा है, पार्थ सारथी है, शिव का विस्मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्ण की सूर्य पूजा है, गीत वितान है, 1907 कृष्ण और अर्जुन है, डांडी कूच, क्योंकि जब मैंने बात की कि जब ये डांडी मार्च जो नमक आंदोलन था महात्मा गांधी जी का, उससे प्रभावित थे, तो इन्होंने महात्मा गांधी से ये इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने एक सुंदर जो है कि लिनोकट, ये लिनोकट में है, लिनोकट में इन्होंने गांधी जी की एक चलते हुए आपने देखा होगा इन्होंने अंकन किया 1931 में। काले नृत्य है, दुर्गा है, सरस्वती टेम्परा में आप देखेंगे। भित्ति चित्रकारी की बात करते हैं, इन्होंने भित्ति चित्रण भी किए हैं, और वो कहाँ किए हैं आप, शांति निकेतन कला भवन के इन्होंने दिवाली पे अंकन किया, कीर्ति मंदिर जो बड़ौदा में है उस पर अंकन किया इन्होंने, ये बड़ा प्रसिद्ध है। विज्ञान मंदिर कोलकाता में जगदीश चंद्र बसु के आग्रह पे ये इन्होंने कार्य किया। और हर कृष्ण उत्सव जो शांति निकेतन में मनाया जाता था उसकी स्मृति में चित्र इन्होंने चित्रण भी भित्ति चित्रण किया है। तो ये कुछ इनके जो प्रमुख जो इनकी चित्र है, चित्र शैली है, वो उस पर हम ये बात किया। अब इतने चित्र में इनका कृति जो कृति मंदिर बड़ौदा में इन्होंने चित्रकारी की, वो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने महाभारत से संबंधित तो भी रचना की है। विज्ञान की बात हमने कर ली, पुस्तक इन्होंने ऐसा नहीं था बस ये चित्रकार थे, इन्होंने अपने आगे के जीवन में कुछ पुस्तक की रचनाएं की, और वो पुस्तक की रचनाएं जब हम देखते हैं तो उसमें आप इनके जीवन से संबंधित जो भी इन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया कला जगत में, जो भी इन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उस पर इन्होंने एक दो पुस्तक ये पुस्तक की रचना की है। तो एक पुस्तक है शिल्प कला रूपावली और दूसरा है शिल्प कथा, ये दो प्रमुख इनकी पुस्तक हैं। और तमाम उपलब्धियों और तमाम योगदानों के बाद अंत में मृत्यु इनकी 1966 में कोलकाता में इनका देहावसान हो जाता है, ये पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। तो ये रहा नंदलाल बोस के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कला शैली के बारे में, उनके उनके विषय क्या थे, उनके उनका माध्यम क्या रहा, उन्होंने क्या उनकी एक उपलब्धि क्या रही है भारतीय राष्ट्रीय तरीके से जो भारतीय कला के इतिहास में, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, एक स्वाधीनता संग्राम के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया है, ये सारा हमने डिस्कस किया। और आगे हम और भी दूसरे कलाकार के बारे में लेके आएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप का कोई प्रश्न हो या फिर कोई ऐसा इसमें गलत हो कुछ है, तो आप निश्चय ही आप कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।